छतरपुर में पुलिस को एक अज्ञात शव के दफन होने की सूचना मिली। कब्र में शव होने की जानकारी के बाद करीब 5 घंटे तक पुलिस परेशान होकर जांच में जुटी रही, लेकिन जब गड्ढा खोदा गया तो उसमें कुत्ते का शव मिला। एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये कहावत छतरपुर पुलिस पर आज ठीक बैठी है। दरअसल ओरछा रोड पुलिस को सूचना मिली थी कि कैंडी के पास एक संदिग्ध शव दफन किया गया है। स्थानीय नागरिक की सूचना पर पुलिस जांच में जुट गई। प्रशासनिक टीम के मौके पर पहुंचते ही कब्र को खोदा गया, लेकिन कब्र से क्या निकला? एक कुत्ते का शव। कुत्ते के शव को दफन करने के मामले में 5 घंटे तक छतरपुर पुलिस को चक्करघिन्नी बनना पड़ गया। दरअसल उस कब्र में कुत्ते का शव दफन था, लेकिन किसी ने सूचना दी थी कि कोई संदिग्ध शव दफन किया गया है। उस सूचना पर पुलिस ने कब्र को दोबारा खोदा तो कब्र से कुत्ते का शव निकला। घटना की जानकारी लगते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। सैकड़ों की संख्या में लोग शव देखने एकत्रित भी हो गए थे। वहीं पुलिस ने भी कुत्ते का शव देखा तो दोबारा उसको कब्र में दफन कर दिया। आज सुबह ओरछरूड थाना अंतर्गत एक केडी गांव है, वहां पे एक कुछ हड्डियां मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। चूँकि मामला गंभीर प्रवृत्ति था, इसलिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां पर अवशेष, शव के अवशेष मिल रहे थे। शव उत्खनन की परमिशन लेकर जब शव उत्खनन करवाया गया तो प्रथम दृष्टा ये शव किसी पालतू जानवर का पाया गया है और मामले की जाँच के लिए एफएसए भेज दिया गया। जो है का कल है तो नहीं तो शाम में हाँ तो देखो सुखा हूँ लोगों ने सरपंच बताओ भी आए नहीं है फिर 100 नंबर लगाई हाँ बस आ गए साहब। और आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।